अगर मेरा टायर अलझ गया ना, मैं गिर जाऊंगा फिर आराम में यार। बहुत रिस्की काम है भाई। ओहो ओहो ओ, बच गया, बच गया भाई, बच गया। अभी चला जाता मैं नीचे। इंडियन नेवी में जॉब करता था मैं, वहाँ से मुझे 4 साल में SLNR दिया है, सर्विस लॉन्गर नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? कि ये कुछ दिन के अंदर या तो किसी को मार देगा नहीं तो खुद मर जाएगा। अभी मुझे एक वकील मिला है, आज तक जितने भी वकील मिले हैं वो केस को फाइल रीड करते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं। मेरे डिस्चार्ज के 6 महीने के अंदर मेरी माँ ने फांसी लगा ली। ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया मेरे पिताजी ने, अब गारंटी ऊपर से आ गई। उसके बाद मेरे ऊपर कई अटेम्प्ट मर्डर और हो चुके, पर मैं नहीं मरा। अब मेरे को यकीन हो गया अब नहीं मरेगा। वो 5 भाई थे, वो बोलता था बेंच जिस दिन अकेला मिल जाएगा मैं एक लाठी में मार दूंगा, तो तेरी माँ ने कितना भी घी खिलाया, लास्ट में सब पब्लिक को एक साथ करके उनको मार के काट के कुइयों में दबा दिया गया। सो गाइस, ये मिला है मुझे जरूरतमंद अंकल। धक्का लगाऊं या चले जाओगे? कहाँ जा रहे हो? सोनी पे जा रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ तक जाओगे? वैसे मैं तो यही पास में ही जा रहा हूँ, अगले 1-1.5 किलोमीटर तक। बॉर्डर तक चला जाऊंगा ना, तो थोड़ा मेरा गाड़ी जाने वाली है। गाड़ी कौन से, कौन सी गाड़ी? बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर से कैसे ये बोल रहा हूँ? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो आराम से, बस सीधे चलाओ, एकदम कट मत मारो, साइड मत बदलो भाई, साइड मत बदलो, आराम से चलाओ, मेरे को भी जगह दो थोड़ी सी। साइड आओ, अभी साइड आओ तो ठीक रहेगा। मेरा राइट ही लगता है। भाई बंदा बार बार साइड बदलता है, अब समझ में आया भाई हेल्प हर कोई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई कठिन काम होता है हेल्प करना। मुझे इनको इसी स्पीड में ले जाना पड़ेगा, अगर वैसे स्पीड में चले ना तो भाई गिर जाऊंगा पक्का, या फिर इनको चोट लग जाएगी। देखो कहां से कहां भाग रहे हैं इनकी रिक्शा। अब समझ में आया भाई हेल्प करना कठिन काम होता है, सभी लोग क्यों नहीं करते, ये समझ में आया। भगवान, अभी जो है भाई साइड बदल रहे और कभी मेरी उधर तरफ आ रही है, कभी जो है बाइक इनकी स्कूटी, ये जो रिक्शा है इनकी विकलांग रिक्शा, उधर जा रही है। तो अब समझ में आई है भाई क्यों जो है लोग हेल्प नहीं कर सकते, कारण यही है हेल्प ना करने का, क्योंकि हेल्प करना आसान बात नहीं है, कठिनाई बहुत आती है। दोस्तों लगभग जो है 3-1 किलोमीटर कम से कम चल लिए हम, और अभी भी लगभग 3-4 किलोमीटर और जाना है, मतलब कि टोटल 7-8 किलोमीटर इनको छोड़ूंगा आगे, फिर वहाँ से बोल रहे कि भाई मैं चला जाऊँगा, बस मेरे को वहाँ तक पहुँचा दो, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब, बारिश पड़ने वाली है, तो ये वहाँ जाके रुक जाएंगे कहीं छाए वाए में, ऐसा मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी बाकी 3-4 किलोमीटर वहाँ तक जाता हूँ। भाई बड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब ये कभी इधर राइट पे काट रहे, कभी लेफ्ट में काट रहे, क्योंकि सिंगल हैंड हैंडल है ना इनका, सिंगल हैंड एक हाथ से कंट्रोल, तो उसमें पता नहीं हो पा रहा है इनसे, ये नहीं हो पा रहा। बाकी मैं जो है बड़ा सावधान हो गया, इनको धक्का लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई कभी इधर कभी उधर, मेरे को खुद का डर है कहीं पर टायर अलग जाएगा ना इसकी साइकिल में तो गिर जाऊँगा मैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो कभी इनकी साइकिल उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। अभी समझ में आया भाई हेल्प का असली मतलब क्या होता है, मतलब हेल्प तभी तो नहीं सब लोग करते, क्योंकि आसान काम नहीं है। कभी कभार मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, तो भाई देख रहा हूँ मैं काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, बहुत संभल के चल रहा हूँ। तो भाई अभी इन्होंने इतनी तेज़ झटका दिया, कट दिया, मतलब भाई इनकी इसको जो उधर की साइड राइट की साइड इन्होंने इतनी तेज़ धक्का दिया पता नहीं कैसे, तो मैंने इनको पूछा सो रहे हो क्या, पता नहीं भाई कुछ से कुछ बोल रहे थे। मैं कहा यार कहीं पता लगे खुद को ही चोट ना लग जाए। ओ बच गया, बच गया भाई, बच गया, अभी चला जाता मैं नीचे। भाई साहब बहुत रिस्की काम है भाई, बहुत रिस्की काम है, पता नहीं भाई साहब कैसे चला रहे यार ये अंकल जी, सही में यार बड़ा रिस्की काम है भाई। अभी ऐसा कट मारा, पता नहीं भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं,
मैं ही बच गया, नहीं तो मैं ही गल जाता नीचे। इसलिए बोला जाता है भाई हेल्प करना ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, नहीं तो सभी लोग आपस में हेल्प कर देते। भाई साहब मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ आपको, ठीक है? नीचे से जाओगे ऊपर से? नरेला जाऊंगा। अच्छा नरेला जाओगे, चलो कट पे छोड़ दूँ आप अंडरपास तक। ओहो ओहो भाई मेरी तो भाई गांड फट गई भाई साहब, सही में यार बहुत रिस्की काम है भाई, कैसे कैसे चला रहे हैं, मैं चला जाऊंगा भाई, इनको बस आगे तक छोड़ दूं, अपना कर्म पूरा करूं, भगवान अपना फल दे देगा जैसा उसको अच्छा लगेगा। एक समय पैर लगाते लगाते यार थाई में ना एक जगह दर्द करने लगा। नरेला का कट यहाँ से क्या कैसे है? अच्छा हाँ एक मिनट साइड में लगाओ अपनी रिक्शा। रोक लो। रोटी पानी खा रखी है? खा रखी है। मेरे पास 10 रुपए है सिर्फ। अभी कितना लंबा चलोगे? सोनीपत, मैं नरेला जाके नरेले से सोनीपत जाऊंगा। छोले कुलचे इसमें ताजे है, गरम है, अभी बने हुए हैं, ठीक है खा लेना जैसी आपको भूख लगे। जिंदगी भर आभारी। अरे जिंदगी भर कुछ नहीं, अरे आपने मेरी सहायता की तो मैं आपका आभार। ऊपर वाले को देख लेना, उसको बोल दो जो बोलना है, ठीक है? ऊपर वाले चलो भेजा है। वैसे मेरे को वहीं से मुड़ना था, जाओ पुलिस वाले थे ना फ्लाईओवर पे जहाँ मैं तुम्हें मिला था, वहाँ से मेरे को उधर जाना था, वो तुम्हें छोड़ने आया, ठीक है? चले जाओ आप। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? DL8SDA2965। नाम क्या है आपका? नाम है सचिन। सचिन हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। मेरे एक मौसी का लड़का था सचिन, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, एक साल बड़ा था, वो एक्सपायर हो गया कई साल पहले। अच्छा, अब मुझे कोई भी सचिन मिलता है तो वही मुझे याद आता है। क्या काम करते हो आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। छाए में लगा लो। प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। प्राइवेट जॉब करते हो आप? हाँ। जब भी आपको जरूरत पड़े हाँ मुझे याद करना, ठीक है? मैं सोनीपत का एक बहुत ही नामी गिरामी आदमी हूँ, ऐसे नहीं हूँ, इंडियन नेवी में जॉब करता था मैं, वहाँ से मुझे 4 साल में SLNR दिया है, सर्विस लॉन्गर नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? एज ए पनिशमेंट दिया उन्होंने। अच्छा। सूटेबल बोल के कि ये कुछ दिन के अंदर या तो किसी को मार देगा नहीं तो खुद मर जाएगा। हाई टाइम पर है। हाँ। पर वो मेरा केस आज तक पेंडिंग है। अच्छा। मेरे छोटे भाई को इंडियन रेलवेज ने स्टेशन मास्टर बना दिया है, जबकि मेरे पिताजी हेड कांस्टेबल थे, उनके बदले में नौकरी मिली थी। ये सोचने की बात है उसको हेड का स्टेशन मास्टर क्यों बनाया। वो तो एक हमारे देश में जवान और ऑफिसर के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, एक नेता और एक आम आदमी के बीच में अंतर है, वो इसको कभी कम नहीं करते हैं। और उन्होंने मुझसे गद्दारी जो करेगा ना वो मेरा भाई करेगा, इसीलिए उन्होंने उसको ऑफिसर बनाया, उसको कुत्ता उसको खिलाया है। कल को अगर मैं तो ये हमारे लिए खतरा बनेगा, इसके जरिए हम इसको मरवा देंगे। अच्छा, फिर वही आ जाता है। अभी कितने साल हो गए आपके वो केस जो चल रहा है अभी? वो केस के लिए अभी मुझे एक वकील मिला है, आज तक जितने भी वकील मिले हैं वो केस को फाइल रीड करते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं। केस नहीं लड़ूंगा, मेरे बस की नहीं है। क्यों बहाना करें? क्यों पंगा नहीं लेना चाहते? हाँ, पंगा नहीं लेना चाहते। अरे उनको अपनी दुकानदारी प्यारी है, उनको मैंने किसी से गलत हो रहा है, किसी से सही हो रहा है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। चलो नौकरी से निकाला नहीं निकाला, तो मैं कुछ भी किया, मेरे डिस्चार्ज के 6 महीने के अंदर मेरी माँ ने फांसी लगा ली। अब उसका कारण कुछ भी रहा होगा, मैं तो उसको पॉइंट करूंगा ना, मेरा फायदा। सही बात है। तो जब तक मेरा नाम नितिन पराशर है, मेरा छोटा भाई जो है वो सोनीपत का ही स्टेशन मास्टर है, उसका नाम मिथुन पराशर है। मेरा फ़ोन परसों और तरसों गुम हो गया है, आप एक नंबर नोट कर लो, वही नंबर मैं 2-4-10 दिन में निकलवा लूँगा, फ़ोन कहीं से एडजस्ट कर लूँगा। जैसे आप मेरी मदद कर आपने की, मैं भी जितनी भी मदद मैं कर सकता हूँ मैं दूसरे आदमी की करता हूँ, ऐसे करना चाहिए, ठीक है? मैं फिर मिलूँगा, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे दे दो, मैं उसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। एक मिनट,
आप प्राइवेट जॉब कहाँ करते हो? वही करता हूँ जहाँ मैं आपको मिला था। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हूँ मैं, अंडर वाटर डाइवर हूँ, 55 मीटर के लिए क्वालिफाइड हूँ, वो नेवी की बदौलत हूँ। अच्छा, नेवी के अलावा इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको 55 मीटर के लिए क्वालिफाइड करेगा। पर हमारे देश में रक्षक ही भक्षक हैं। वो तो भाई, हाँ, जो ये पॉलिटिशियन है ये चारों तरफ से खाते हैं। इनके ही लड़के अफसर हैं, इंडस्ट्रियन की याद में कमा के देते हैं इनको। बिल्कुल सही। या कितने भी परेशान हो उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो हमें जिंदा रखेंगे और काम पे भी लगा के रखेंगे जब उनका राज चलता रहेगा। लो, इसमें आप नंबर डायल करो, मैं अगले 10 दिन में जब दोबारा कॉल करूंगा आपको। मेरे पास पेन नहीं है अभी फिलहाल, पेन गुम गया, वैसे रखा रहता है मेरे पास। मेनली जो आप नेवी से हो, हाँ जी, किस मतलब किस एज में थे, किस एज में उस टाइम जो है वहाँ से वो केस चला? केस तो आज तक चल रहा है, वो फाइल ही नहीं हुआ है आज तक कोर्ट के अंदर, केस फाइल नहीं हुआ है। मैं कम से कम 50 से ऊपर ज्यादा वकीलों से मिल चुका हूँ, केस फाइल नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे आप ऐसे थे क्या? अरे नहीं, ये मैं डिस्चार्ज होने के बाद मुझे यहाँ चोट लगी है सिर में, यहाँ से यहाँ से सिर फट गया था, नाक से पानी गिरता था, उसको रोकने के लिए नेहरू का तो यहाँ से दूसरा ऑपरेशन किया है, इधर है। अच्छा, पेट में जुड़ा है, उस ऑपरेशन में मेरे पैर काम अच्छा बंद कर देते। मेरे को तो बताया जो कुछ घर वालों ने, कोई बात नहीं हुआ जो हुआ, मेरे प्राण बाकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हर कोई, अब जैसे आप हो, आपकी ज़िंदगी में कभी आपके प्राणों को खतरा हुआ है? हुआ है। हुआ है, तो उसका समाधान आपने कैसे किया? जितना बचाव हो सके उतना किया, जो अपने संपर्क किया ना। अभी शारीरिक कुछ ऐसी व्याधि आ जाए साला मरेगा। अब जैसे मेरे को चोट लगी थी उसमें तो डॉक्टर भी बोलता था मरेगा, तब मेरे लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया मेरे पिताजी ने, अब गारंटी ऊपर से आ गई। उसके बाद मेरे ऊपर कई अटेम्प्ट मर्डर और हो चुके पर मैं नहीं मरा। अब मेरे को यकीन हो गया अब नहीं मरेगा, फिर से जाप कराऊंगा। मैं खुद भक्ति करता हूँ, भक्ति में शक्ति है, सच्चे बन जाओ, उसको सौंप दो, देखो कैसे निकाल के लेके जाता है। जो करना है वो तो उसको ही करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो चलना है उसके साथ चलना है। मैं फाइटर हूँ, मेरे जो पूर्वज हैं वो भी फाइटर हैं, आने वाले पता नहीं होंगे नहीं होंगे। हमारी कैसे हिस्ट्री है, मेरे जो दादाजी थे, परदादाजी, वो 3 भाई थे, उनमें से एक ने शादी तो की पर बच्चे पैदा नहीं किए। गाँव के अंदर डकैत होते थे मुसलमान, थे उनसे वो दुश्मनी रखता था। वो 5 भाई थे, वो बोलता था वैसे जिस दिन अकेला मिल जाएगा मैं एक लाठी में मार दूंगा, चाहे तेरी माँ ने कितना भी घी खिलाया। लास्ट में सब पब्लिक को एक साथ करके उनको मार के काट के कुइयों में दबा दिया गया, उनकी कोई कब्र नहीं बनाई। क्यों? उनका कोई निशान बाकी नहीं रहना चाहिए। तो वो कहता वो फाइटर है। फिर फाइटिंग अब आपस आपस में भाई भाई में फाइटिंग हो जाती है आज के टाइम में आम बात है। वो मैंने तब से देखी अपने घर में, जब मैं बच्चा था पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ मैं लड़ाई। अरे ये कौन क्यों मार रहा है मेरी मम्मी को, पर बच्चा मुझे नहीं पता। वो रो रही है तो मैं भी रो रहा हूँ, धीरे धीरे बड़ा हुआ मुझे पता लगा वो इसलिए मारता था। तो अभी वो जिंदा है, मेरी मम्मी तो चली गई है, वो जिंदा है। फिल्म बनाऊंगा भगवान का मेरे को यकीन है, फिल्म बनाऊंगा किसी ना किसी दिन। अरे मैं उसको 4 गालियां दे दूंगा, 1 थप्पड़ मार दूंगा, मैं उसी में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। तो क्या उसके बदले में मेरा क्या करेगा, मार सकेगा, पीट सकेगा, कर ले। मैंने जो काम करना था मैंने तो कर दिया, मेरा तीर निशाने पे है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उस आत्मा की, उस माँ की आत्मा को जहाँ भी उसका अस्तित्व है उसको शांति मिलेगी। मेरे बेटे ने काम अच्छा किया जो उसने कभी नहीं किया। वो बोलती थी 42 साल की उम्र में मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, वो मेरे ताऊ को बोलती थी, वो ताऊ जो मारता पीटता था मेरा ताऊ पीटता था। अच्छा। इसलिए वो उसके लिए बेईमान था। और कमी मेरे बाप में ये थी कि मेरा बाप उसे अपने भाई से डरता था, बोलता नहीं था। मेरी मम्मी ने उसको बोल दिया कि लास्ट में तू मतलब मारेगा पीटेगा क्या होगा, मैं मरूंगी ना, मैं मर जाऊंगी, पर वो काम मैं कभी करूंगी नहीं।
और जिस दिन मैं मर गई उस दिन तेरी उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि अपने जीते जी तो मैं अपने घर वालों को पता लगने दूंगी नहीं, पर जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन उनको पता लग जाएगा, उस दिन वो तेरा हाँ मेरे भाई की शादी में कई साल पहले मेरे भाई की शादी सोनीपत में हुई और वो मेरे ताऊ को मेरा फूफा लेके आ गया। इंग्लिश नहीं आती? नहीं मैम सॉरी, जो जरूरतमंद था मैं उनके सामने खड़ा हूँ। क्या करना है, किसको खाना है, ले लो जो लेना है। तो मेरा भाई गाड़ी में बैठा बैठा उसको देख के रोने लगा, वो बोलता है मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, ये किस लिए आया है मेरी शादी में। तो मेरे मामा जी ने उसको समझाना चाहा, जब वो नहीं रुका तो वो नीचे उतरते हैं, वो गए उसके पास, उसको एक दो गाली दी, किस लिए आया तू यहाँ पे है। तो वो बोलता है कि नहीं तेरा ही रिश्तेदार ये लेके आया है। तो बोला कोई नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, है कि शायद लौट है साढ़े, अगर पाँच मिनट के अंदर नहीं निकला तो उड़ा दूंगा। तो ये चलती रहेगी, ठीक है भैया। चलो जी, आपको अपना नंबर दे दिया है, मैं अगले 10 दिन में जब नंबर निकला 10वें दिन में कॉल करूंगा, ठीक है। अगर 10 दिन नहीं होता है 15 दिन में करूंगा, समय अवधि बढ़ सकती है, कोई बात नहीं। सचिन जी ओके, मिलकर बहुत खुश हूँ और दोबारा फिर से मिलूंगा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमें जल्दी। देखो उन्होंने ले लिया, कोई नहीं, ठीक है भैया, ठीक है निकल जाओ आप, आ रहा हूँ, चलो चलो भैया। भाई फोन पे दिखाओ आपका, किधर भाई आपका चेक कर लो।